सवाल खड़ा किया, बिहार में सवाल खड़े करने वाले सरजुग राय, झारखंड में आवाज देने वाले सरजुग राय, तो आपने सरजुग राय को ही खत्म करने की कोशिश की। हम आग्रह करेंगे सरजुग राय जी कि इस झारखंड के हर लोगों को सरजुग राय बनना चाहिए और आजादी की इतिहास लिखना चाहिए। हम यहाँ आए हैं इन सिस्टम नेता दलाल माफिया अपराधी बलात्कारी ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज देने, जिन लोगों ने आम आदमी की आवाज बंद कर दी, जिन लोगों ने आम आदमी को कैद कर दिया, जिन लोगों ने आम आदमी की जिंदगी और मुस्कुराहट छीन ली, जिन लोगों ने व्यवसायी से लेकर के आदिवासी तक के घर के खाने छीन लिए, रुपये छीन लिए, उसके खिलाफ पप्पू यादव और हमारी कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद साहब लेकर के सभी लोग, पूरी टीम सरजुग राय जी के लिए यहाँ पर हैं। क्या लगता है सरजुग राय जो चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वी से बीजेपी छोड़ के आए हैं, उनके साथ जो हुआ उस पर आपकी क्या? नहीं, बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी को अच्छे आदमी अच्छा नहीं लगता। बीजेपी ने लात मार दिया। बीजेपी या बड़ी कोई पार्टी जहां पर लोकतंत्र की बात और विचारधारा बढ़ने की बात होती है उसको अच्छा नहीं लगता। सरजुग राय एक विचारधारा झारखंड के हर व्यक्ति की, और उस विचारधारा को सरजुग राय ने चुना, एक लंबे समय से दल की सेवा की, जिस दल का निर्माण किया, जिस दल को बनाया। करिया मुंडा याद आ गए नरेंद्र मोदी जी को और सरजुग राय याद नहीं आए? मनाई माँ और मौसी में फहर, अब बाप और मौसा है रे बाबा। तो मैं आपको बताऊं, हिटलर की एक लाइन से मैं शुरू करता हूँ। आप हिटलर की एक पंक्ति थी कि किसी दुनिया, किसी देश के पब्लिक को, किसी राज्य के पब्लिक को, समाज को इतना पीस दो, इतना पीस दो, इतना चूर कर दो कि लोगों के भीतर जिंदगी जीने का मतलब ही सिर्फ विकास की समझ हो, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बिहार, भारत और झारखंड में लोगों ने मान लिया कि अब हमें जिंदगी किसी तरह जीना है, क्योंकि ये जो दो हिटलर आप जो देख रहे हैं, क्या आतंक है। एक तरफ देश में सभी संवैधानिक संस्थाएं व्यवस्था ध्वंस हो चुकी, और दूसरी तरफ झारखंड में सभी सामाजिक शास्त्र, सभी मानवता और सभी पारिवारिक रिश्ते को ध्वंस करके एक 5 साल का शासन, चाहे वो किसी पुलिस वाले को बंद करके पीट करके हाथ तोड़ दे, कोई बोलने वाला नहीं, चाहे किसी मासूम बच्चियों को उठा ले। ये जो आज पूरा देश और सदन चिंतित है बच्चियों को बचाने के पर, इन नेताओं से कौन बचाएगा बच्चों? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। और ये पार्टी यदि सेंगर, चिन्मयानंद, पोर्न देखने वाले लोगों को कर्नाटक में आप मंत्री बनाओगे और बच्चियों को घर से कैद, एक आज़ादी की लड़ाई है जमशेदपुर से, या किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, जमशेदपुर से कंप्लीट रूप से एक आज़ादी की लड़ाई, एक आवाज़। सरजुग राय जी आवाज़ नहीं है, सरजुग राय जी इस जमशेदपुर के हर उस मासूम, हर उस माँ और बहनों की आवाज़ है जो फ्रीडम चाहते, जो जीना चाहते, जो मुस्कुराना चाहते, जो अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते, जो अपने परिवार को अच्छे से स्कूल में रख करके कुछ पल समाज के बीच रहना चाहते। हर गरीब आदमी, हर अमीर आदमी इस झारखंड में जीना चाहता है। एक आवाज़ बनी है इस पूरे झारखंड के,
जमशेदपुर से एक चिंगारी उठेगी, पूरे झारखंड की आज़ादी की लड़ाई का एक आवाज़, और यही आवाज़ बिहार होते हुए दिल्ली तक पहुँचे। ये लड़ाई इन्होंने यहाँ छेड़ी। आप हमें आप बताओ, ये लोग जो लोग रेप की और बच्चों, एक तरफ तो सड़क पर बच्ची सुरक्षित नहीं है और दूसरे तरफ घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, 110 रुपया 105 रुपया प्याज,